तो हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। तो गाइस, पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ और एक बार और पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया था। तो गाइस, क्रिसमस और न्यू ईयर में थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसीलिए नहीं डाल पाया वीडियोस। बिजी में टाइम मिलता था शूट कर लेता था, अभी भी बहुत मुश्किल से कर रहा हूँ, अभी मुझे कहीं जाना है। तो गाइस, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो गाइस, मॉर्टल भैया जी गेमिंग का बर्थडे भी तो था 1 जनवरी को, तो उसमें भी बिजी थे कुछ, उनको एक से एक गिफ्ट दिया, बहुत बिजी हो गए डेकोरेशन वगैरह में, इसीलिए थोड़ा बीच में वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो अभी आ चुकी है और हमारा एक रिकॉर्ड टूट गया गाइस, जो मैंने चैलेंज मतलब दिया था, रिकॉर्ड छोड़ो यार, चैलेंज दिया था कि वेडनेसडे आपको चंद्रलेखा स्टोरी टाइम मिलेगी, पर वो नहीं हो पाया। अब जो टूट ही गया है तो छोड़ो यार, कभी भी आते रहेगी स्टोरी टाइम्स, बहुत मुश्किल से क्रिएट करता हूँ और बनाता हूँ, तो अभी और इसके बाद कंटिन्यू करने कहानी। तो चलो अभी कहानी अपनी कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो लोग सब फिल्म की शूटिंग करने के लिए निकल चुके हैं। तो गाइस, जो पिछले बार जो 2 कैरेक्टर थे ना, उनकी इमिजिएटली मौत हो गई है। जी हाँ, अब कहानी में वो दोनों नहीं रहेंगे, उनकी इमिजिएटली मौत हो गई, वो डेथ करके पता नहीं उन्हें हार्ट अटैक दोनों को एक साथ आ गया और दोनों पता नहीं क्या हुआ यार, इसके कारण फिल्म बहुत ही दुखी हो गई थी। पर फिल्म ने जो फिल्म की जो कंपनी थी, कंपनी बहुत ज़्यादा दुखी थी और कंपनी जो थी ना वो जो थी बहुत दुखी थी, लेकिन 9-10 महीने से उन्होंने कोई भी फिल्म नहीं बनाई थी, इसीलिए उन्हें एक फिल्म बनानी थी। तो फिल्म बनाने के चक्कर में उन्होंने अपनी कंटिन्यू कर दी शूटिंग, छोड़ो यार हटाओ, तो शूटिंग के लिए वो लोग निकल गए रतनपुर। रतनपुर पहुँच के डायरेक्टर ने कहा कि ये सच में तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और हॉरर भी है, हॉन्टेड तो बहुत ही ज़्यादा है, 10% या 11% ब्यूटीफुल है और बाकी के परसेंट बहुत ज़्यादा डरावने, यानी कि 89-90%। तो गाइस, फिर इसके आगे जो स्टोरी है ना, दिल दहला देगी। तो फिल्म की जो हीरोइन थी ना हमारी, फिल्म की हीरोइन का नाम था इंद्री, जी हाँ इंद्री। तो गाइस, इंद्री जो थी बहुत ही अच्छी, बहुत ही टैलेंटेड, होनहार मतलब कि उनके टीम में एक्टिंग करने वाली थी, एक भी टेक नहीं लेती थी, मुश्किल से हो भी सके तो 1 से 2 टेक या 2 से 3 टेक, बहुत ही कम। तो गाइस, वो जो है शूटिंग कर रही थी तो उसे ही हमेशा, और किसी को नहीं, उसे ही हमेशा ऐसा लगता था कि कोई औरत उसे देख रही है वाइट कपड़ों में बार बार। तो ये बात थोड़े उसे अजीब लगती थी, जब वो किसी को बताती थी तो वो लोग उस पर हंसने लगते थे कि तू हॉन्टेड फिल्म की शूटिंग कर रही है तो ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है, वह में चिंता मत कर। लेकिन फिर भी उसे बातों नज़र आती थी, ये सब चीज़ें नज़र आती थी मतलब। तो जो डायरेक्टर ने भी ये एक बात नोटिस की कि ये लड़की किसी को देख रही है, तभी से डायरेक्टर को भी ये बात थोड़ी सी अजीब लगी। तो डायरेक्टर ने भी इस बात को छोड़ दिया, मटिया दिया, छोड़ो यार फिल्म की शूटिंग पे भी थोड़ा ध्यान देते हैं। तो वो फिल्म की शूटिंग पे ध्यान दे रहे हैं, फिल्म की शूटिंग कर ली, बहुत सारे सीन्स 20-30 सीन्स कंप्लीट कर लिए उन्होंने, शाम होने को जा रहा था। तो उनके टीम ने, एक बंदे ने कहा, उनके टीम के एक बंदे ने कि शाम तक यहाँ रुकना अलाउड नहीं है, अगर आप शाम में रहेंगे किसी ने देख लिया तो आपको जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है 5-10 हज़ार रुपये का, और कभी कभी तो 50 हज़ार रुपये का लग जाता है, इसीलिए यहाँ रहना बिल्कुल मना है। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर बात नहीं माने, बोले कि यहाँ रात में ही शूटिंग नहीं करेंगे तो फ़ायदा क्या है, और हमने सरकार से परमिशन भी ली हुई है ऐसा जगह पे शूटिंग करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, हम शूटिंग अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, रात में ही तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और वो लोग की ये सबसे बड़ी गलती थी, वो रतनपुर में परमिशन मांग के रात भर रुक गए, और परमिशन भी इसलिए मिल गई क्योंकि वो एक टीम थी, फिल्म बना रही थी, इसलिए उन्हें सरकार ने परमिशन भी दे दी, बस यही गलती उन्होंने कर दी, और वो पूरी रात वहाँ रुक के फिल्म की शूटिंग करने को सोच रहे थे। अब सबके साथ कुछ ना कुछ सीन होने लगा, सबके साथ मतलब कि टीम के जितने भी मेंबर गए थे ना, 100-150 मेंबर जितने भी थे, सबके साथ कुछ ना कुछ होने लगा, तो वो लोग सबको थोड़ा सा डर लगने लगा वहाँ पे। लेकिन डायरेक्टर जो थे ना, वो बिल्कुल भी डर नहीं रहे थे, बोले कि छोड़ो, वैसे भी हॉन्टेड जगह है, लगते रहेगा सब चीज़, ये सब चीज़ पे ध्यान मत दो और अपनी शूटिंग पे ध्यान दो, अपनी फिल्म पे ध्यान दो। फिल्म की शूटिंग बहुत अच्छी चल रही थी, एक हॉरर फिल्म मेकिंग फिल्म बनाने जा रहे थे, वो हॉरर मेकिंग फिल्म, तो बहुत ही अच्छी फिल्म की शूटिंग चल ही रही थी कि अचानक से उन्हें लगा कि महल का जो छोटा सा दरवाज़ा है, जो कि आधा टूटा हुआ था, उसे कोई कस कस के पीट रहा है,
सारे के सारे लोग 100-150 लोग हीरोइन डायरेक्टर हीरो तक सब देखने लगे उस गेट की तरफ। और वो लोग को थोड़ा अजीब लगा कि हमारे अलावा यहाँ पर और कोई तो है नहीं, तो उस गेट पे कौन है। तो बहुत ये लोग को थोड़ी बात अजीब लगने लगी और ये थोड़ा सा डर गए उस वक्त। तो डायरेक्टर ने बोला कि यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, अब आई थिंक हमें वापस जाना चाहिए। रात के 2 बज गए थे उस समय शूटिंग करते करते। तो बोला कि थक भी हम बहुत गए, आज के लिए बस इतना ही हुआ, अब जाके घर में आराम करो, सुबह 6 बजे हम यहाँ पे आ जाएंगे और अपनी शूटिंग शुरू कर देंगे। तो वो लोग सारे गाड़ी में बैठ गए और घर की ओर चले गए। तो गाइस, इसके आगे की अगर कहानी आपको सुननी है तो अभी मैं इसका अगला पार्ट बनाने जा रहा हूँ। दोनों पार्ट एक दिन में मैं डालता हूँ, आपको पता है। पार्ट 3 है, पार्ट 4 शूट करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो गया तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना यार, जैसे सब्सक्राइबर बढ़ना एकदम कम से ही गए। तो गाइस, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में और कोशिश करूँगा रोज़ वीडियो डालने का। थोड़ा सा बिज़ी हो जाता हूँ यार इधर उधर, इसीलिए नहीं हो पाता है। तो गाइस, कोई बात नहीं, मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।